है कि जो कुछ भी पढ़ाया जाए बच्चों को वो देख सकें और उसको करके सीखें। जैसे होता था पहले किताबों में लिखा रहता था विज्ञान आओ करके सीखा, तो वही उद्देश्य यहाँ पर भी चाहे हम गणित पढ़ावे चाहे हिंदी पढ़ावे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए उनको टीएलएम के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर यह स्वर ज्ञान है, सबसे पहला यही शुरुआत करता हूँ, स्वर ज्ञान है यह और से लेकर के अह तक का। तो बच्चा क्या करेगा, खेल खेल में इसको सीखेगा। जब इसको ऐसे नचा दिया जाएगा तो मान लीजिए कि ये जो एरो लगा हुआ है, एरो मान लीजिए अ पर आकर के रुका, अ पर आकर के रुकेगा तो बच्चे को अ की मात्रा से संबंधित उसको शब्द भी क्लियर होना चाहिए। तो इसमें अ की मात्रा से संबंधित शब्द निकालेगा यहाँ इस तरीके से। तो पहला तो यहाँ हो गया, अ देख लिया, उसके बाद से शब्दावली निकाल लिया। और शब्द निकालने के बाद एक और कसरत बच्चे से कराना है कि ये जो अ की मात्रा इसमें खोजेगा कहाँ है अ, तो यहाँ जो है अ आ जाएगा, जहाँ पर भी रहेगा उसमें वो बच्चा लगा सकता है, ऐसे लगा सकता है। तो एक जो है मतलब बच्चे को क्रिएटिविटी के तौर पर उसको बताया जा सकता है। मिल लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5 × 3 बराबर कितना होगा, तो बच्चे 5 × 3 बराबर जो भी है लिख लेते हैं वहाँ। उसको प्रैक्टिकल कराने के लिए ये है, ये खुला बेस पर यह काम करता है। मैडम महाराजगंज जिले में गाइड पर जब हुआ था टीएलएम का मेला, तो मैं यही बना कर ले गया था और इस पर हमको प्रथम स्थान मिला हुआ था पूरे दिन। तो इसमें जैसे समझ लें कि 5 घंटे कितना होगा, कि बॉल है, कोई बच्चा आ जाएगा क्या? आ जाइए, तराजू सिस्टम है यार। 5 × 3 आपको जोड़ना है तो क्या कैसे जोड़ेंगे? हाँ 5 पर लगा देंगे, 5 पर लगा दिया बच्चा। 3 में जोड़ना है तो कहाँ लगा देंगे? 3 पर लगा दिया। उसके बाद से अब यहाँ बच्चे को मालूम नहीं है, खेल रहा है, अनुमान लगा रहा है कितना होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो लगाइए कहीं 5 में 3 7 पर लगा दिया, 7 पर छोड़िए, लगा करके छोड़ दो, तो ये बैलेंस नहीं होगा। ऐसे खेलते खेलते जब वो 8 पर लगा देगा तो ये 5 और 3 मिलकर के 8 हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रिक्शन है इसमें, लेकिन ये बैलेंस हो गया, 5 और 3 जो मिलकर के 8 हो जाएगा। बच्चों को जब तक अक्षर ज्ञान हो जाता, मात्रा का ज्ञान कर प्रैक्टिकल न किया जाए, बच्चों क्या लिखा है क्या है? इसका मात्रा है क्या हो गया? क्या हो जाएगा क्या? अब देखिए ये किसका मात्रा है? छोटी का है, बड़ी का है, छोटी का है, यहाँ लगा दे क्या हो जाएगा? अच्छा चलो ये किसका मात्रा है बेटा? किसका मात्रा है? खेलेंगे, सब खेल बनाया गया है। अभी क्या हो गया बेटा? क्या है?
ये क्या है? क्या है? क्या है? ये क्या हो गया? क्या है? हाँ, कान। ठीक है, बहुत अच्छा। इससे बच्चे, ये जो मल्टीपर्पज क्लेरियम है, इससे बच्चे गिनती भी सीख सकते हैं और पहाड़ा भी सीख सकते हैं। कोई बच्चा पहाड़ा बता देगा क्या? बता देगा? हाँ, दो का पहाड़ा बता दो जल्दी से। बहुत जल्दी दो का पहाड़ा कैसे बताओगे? कैसे बताओगे दो का पहाड़ा? मैं ऐसे किया हूँ, तुम ऐसे पकड़ो, ये दो है, दो का पहाड़ा कैसे होगा? हाँ 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 यस हाँ 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 आगे नहीं पहाड़ा होगा, कैसे होगा बताओ? कहाँ जाएगा अगला? फिर कहाँ जाएगा? हाँ, पहाड़ा अनलिमिटेड होता है, दिशा तक नहीं जाता है, जो धाम दाई तक नहीं जाता, और भी आगे जाता है। ठीक है, इससे लॉस और मौसम भी निकाल सकते हैं। मतलब तो बड़े क्लास लेवल का छोटा है यहाँ नहीं बता सकते, कक्षा चार पाँच में जाएंगे तो एलसीएम और एचसीएम भी बता सकते हैं इससे। तो मैडम ये जो है, ये देखिए, ये जो बनाया है इसमें ऐसा है कि ये अ है, बच्चा खेल करके जो खींचेगा इसको अ है, तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है तो खाली है, बच्चे के मन में ये आ जाएगा। अभी ये आ है, आ है तो देखा जाए आ का मात्रा होता कैसा है, इसको जो बच्चा खींचेगा तो आ का मात्रा दिखेगा। ये अभी यहाँ पर अगर इसको देखा जाए, ऊ की मात्रा अगर देखना है, ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे खींचेंगे तो ऊ का मात्रा दिखेगा। ऐसे करके ये जो बच्चों को मतलब उत्सुकता बनाने के लिए इसको बनाया गया है। ये सबसे कामदार चीज है जी, सामान लेके जा रहे हैं, इसको लगाना पड़ेगा। वो खरीदे हैं संजू के, वो वेट पत्थर के सामान वेट अभी मैं दिया था, कहीं पर ये लगा देंगे, आज लगा रहे हैं। अब बस तक बनाया हमने इसको, साठ के क्या आता है तो बच्चा तो याद करता है, वो करके देखेगा तो बढ़िया रहेगा, अपने हाथ से करके देखेगा। अनुमति हो गया,